एक मिनट और लेट हो गया ना, वही थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ते हैं हमारे घर में भाई। ओडी दे रहे हैं वो, और एक फ्लैट दे रहे हैं, और 51 लाख रुपए दे रहे हैं कैश। तू बता तू क्या देगी, दहेज कितना देगी? मुझे नहीं पता था कि इस गिलास में नहीं देते पानी। अरे वो चुप हो जा, चुप हो जा। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? तो गाइस, ये है मेरी सिस्टर ईशानी। हेलो। और ये काफी टाइम बाद मेरे से मिलने आई हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि कशिश अभी तक इनसे नहीं मिली है। भाई बहन मिलकर उसको खूब परेशान करने वाले हैं, तो देखते हैं कि उसके क्या रिएक्शन रहते हैं। उसकी ऐसी बैंड बजाने वाली हूँ ना गाइस, मतलब मैं खुद इतनी मॉडर्न हूँ, और मैं उसको ऐसे दिखाऊंगी कि लड़कियाँ होती ना थोड़ी संस्कारी, सूट उट पहनो, साड़ी पहनो, पैर छुओ, थोड़ी उस टाइप से देखना चाहती हूँ मैं उसके रिएक्शन की क्या आएंगे। और आप एंड तक वीडियो में बने रहना, और आप भी वीडियोस देखना। मैं उसे बुलाता हूँ। कशिश। हाँ। अरे पानी लिया दीदी? आई हुई है? हाँ, दीदी ये घर का सारा काम यही सब संभालती हूँ। हेल्थी अभी तो यार ये संभालती है दीदी, पानी पी लो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। उधर क्या नमस्ते, इधर करना नमस्ते। क्या तुम्हें बेइज्जती करवाई ना, कटवाएगी क्या मेरी? हम दो जने बैठे हैं, आप एक एक ग्लास में पानी लेकर आई हो। मैं अभी ले आती हूँ दूसरा ग्लास। तो जल्दी लेकर आना, खड़ी क्यों है? कैसी इसको घर की बहू बनाने जा रहा है क्या तू? थोड़ा सा बच्चा दिमाग है दीदी, क्या बोलूँ मैं, मेरी को भी दिक्कत कर ही देती है, क्या बोलूँ मैं। कशिश थोड़ा जल्दी लेके आ, बाकी अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, घर का सारा काम आता है इसको। दिल का चार्ट डालना है क्या? पर काम तो सारा संस्कार आता है। लेकिन एक सेकंड, ये ग्लास कौन से है? ये तो वाइन की ग्लास है ना? नहीं, तुम नहीं। दोनों शराब पीते हो घर में? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। ये क्लासिक लग रहे थे इसलिए रखा है। ये क्लासिक किस एंगल से लग रहे हैं? तूने और बर्तन धोए नहीं। ओह नो, तू इस घर में बर्तन धोता है? अरे नहीं नहीं, मजाक कर रही है, पागल है तू क्या? मैं बर्तन धोऊंगा? पागल है। और देखिए उसने कपड़े कैसे पहने, और छोटी स्कर्ट नहीं मिली क्या? स्कूल जा रही है क्या ये? स्कूल जैसे कपड़े पहन रखे इसने। दीदी वो घर में, देख भाई बात सुन, इस घर की बहू नहीं बन सकती। मम्मी ने तेरा इतना अच्छा रिश्ता देखा, इतनी संस्कारी लड़की है। ये भी संस्कारी है, बस ये घर में तो इसलिए ऐसे पहन लिया उसने। पैर भी नहीं छुए उसने मेरे आके, हेलो कर रही है ढंग से छू यहाँ पूरे। यूं कौन लगाएगा, यूं कर कौन करेगा? फिर से पैर तक तो छूने नहीं आते, बहू बनाने जा रहे इस घर की। पता नहीं इसको क्या हो गया आज, वैसे बहुत अच्छे से। दीदी ने भी तो मॉडर्न कपड़े पहने, बस मैंने स्कर्ट पहने, इसमें क्या गलती है? मेरी दीदी को गलत बोलेगी क्या? तो देख ले, देख ले, इतनी पागलों वाली चीजें कर रही है यार। और खाली पानी कब देते हैं? मैंने घर में कुछ रखा नहीं क्या यार? बिस्किट वगैरह मैंने ला के नहीं रखे यार कभी। प्रिंस तुझे पता है तू गेट्स मैनेज करते है, मैं कैसे देखूंगी? मतलब मेरे घर से कोई आता तो यही होता है क्या यार? एक बार चलियो इधर, गेस्ट बता रही है मुझे, मेहमान हूँ मैं इस घर की, मेहमान। क्या हो गया यार? आप मेरी सारी बात को गलत वे में क्यों ले रहे हो? जुबान लड़ा रही है, देख ले अभी से इतनी जुबान लड़ा रही है। अरे दो मिनट चुप होके सुन भी लेना वो क्या बोल रही है। प्रिंस मेरे साथ भी गलत हो रहा है, तू भी देख रहा है, मैं हर चीज कर। बड़ी बहन है मेरी, वो सही बोल रही है। गलत तो ऐसे बोले, कितने थप्पड़ मार दिया मैंने इसके मुंह पे। देखियो क्या क्या सुनवा रही है यार, अभी तक दीदी ने कभी नहीं, और आज पहली बार मिल, सही से बात तो कर दीदी, ये थोड़ा इंप्रेस कर, जब भी शादी की बात आगे होगी। शादी तो देख नहीं होगी। अरे दीदी वो क्या है ये, शादी क्यों नहीं होगी? बोलना के लिए प्यार करते हैं हम, लड़ने नहीं आई है वो। दीदी हम प्यार करते हैं, मैं मानती हूँ मेरी कुछ चीजें गलत है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को हर चीज में टोक रहे हो। भाई बात सुन मेरी, हमारे घर में ना जो बहू आएगी वो ऐसे कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनेगी, सूट या साड़ी, और सिर से तो दुपट्टा हटना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आपने भी तो दुपट्टा नहीं लिया। अच्छा तो तू मेरी बराबरी करेगी अब? तो यार तेरी दीदी पहन सकती है, मैं तेरी वाइफ नहीं पहन सकती। मेरी बहन है ये, मेरी इज्जत का लाज रख। तूने भी तो समझा, तू दीदी को जब तक कन्विंस नहीं करेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात को समझ थोड़ा सा, ठीक है? दीदी अभी कुछ भी गुस्सा करती है ना, थोड़ा कंट्रोल कर और उनको मना, ठीक है? तब जाके हम लोग आगे जाके खुश रह पाएंगे। दीदी का अरे यार एक ग्लास हटवा, क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? घुसुर फुसुर तोड़ना सुनने आई हूँ मैं तुम्हारी, ठीक है? ध्यान से, पहला इंप्रेशन ऐसा आया मेरे तो। नहीं भाई, नंद के बगल में नहीं बैठते कभी, अगर बहू बनना है ना तो नीचे बैठते हमेशा। ठीक है मैं अभी पानी चेंज करके ले आता हूं, आप जैसे बोल रहे हो सब वैसा होगा। हां तो नीचे बैठो, यहां पे नहीं बैठ पा रही ना, इसलिए मना कर रही थी, ऐसे कपड़े नहीं पहनते हमारे में।
मैं बैठ जाऊंगी, ये चेयर ला देगा। तो चेयर पे तो बोला ही नहीं मैंने, जमीन पे बोला है। आप भी तो ऊपर बैठो, मैंने ऐसा क्या कर दे कि मैं नीचे। भाई नंदे नीचे बैठती है, हमारे घर की बहू नीचे बैठेंगी। क्या हो गया कशिश सर को? प्लीज तू मुझे ही गलत बता रहा है हर चीज में। एक बार अपनी बहन को भी तो बोल दे कि मेरे से इस वे में बात करे, जैसे मैं पता नहीं क्या। लो शायद ना कशिश, बहुत बढ़िया भाई, इस घर में शादी होगी नहीं। अब ये पानी इसका झूठा, ये जो गिलास लेकर आई ना जिस हाथ से, ये पानी भी नहीं पीऊंगी मैं। बहुत बढ़िया, अब देख लीजिए। अरे दीदी वो ना शायद मेरे से नर्वस, बस मुझसे जुबान लड़ाई मत। दीदी सुनो तो मेरी बात तो सुनो, शायद ना वो मेरी वजह से नर्वस हो रही है। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप उससे ना एक बार अकेले में बात कर लो तो शायद वो आपको भी समझा पाए, आप उसको समझ पाओ। दो मिनट दीदी के पास बैठ जाए, मैं एक बार आ रहा हूँ वॉशरूम से, है ना। एक बार बैठ, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। सुनो दीदी से प्यार से ही बात करिए, ठीक है। दीदी आप क्यों ऐसे कर रहे हो, मैंने क्या गलती कर दी? आप जो बोल रहे हो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं, आप बैठ जा, एहसान मानी हूँ, बगल में बिठा रही हूँ। हमारे में नंदो बैठती नहीं है, नंदो के बगल में नहीं बैठती। हमारे यहाँ खाना बनाना आता है? हाँ। क्या क्या आता है? मैगी बनाने आती है, चाय बनाने आते हैं, चावल बनाने आते हैं। तो हम चाय चावल और मैगी से गुजारा करेंगे पूरी जिंदगी? मैं धीरे धीरे सीख लूंगी। कब सीखेगी? हम आप क्या वो लगे पड़े हैं तुझे सिखाने के लिए, घर से सीख कर क्यों नहीं आए? प्रिंस मेरी हेल्प कर रहे हैं ना, मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। अच्छा प्रिंस को तूने बावर्ची इस घर का नौकर बना रखा है? ऐसा नहीं है दीदी, बस जस्ट वो मुझे चीजें सिखा रहा है कि मैं अब भी आपके सारे रिचुअल्स मानने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। बर्तन धोने आते हैं? बर्तन मैं धो दूंगी। आते हैं? सीख जाऊंगी मैं। बर्तन भी धोने नहीं आते? मेरे डैडी ने कभी करवाया नहीं है सब काम। तो भाई तुम पापा की परी हो, अपने घर पे बैठो। हमें पापा की परी नहीं चाहिए, हमें चाहिए घर चलाने वाली लड़कियाँ, जो घर चलाती हैं ऐसी लड़कियाँ चाहिए हमें। दीदी आप मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी, पर मेरे को प्रिंस से दूर मत करो। पैर दबा मेरे। खाया नहीं है क्या खाना? ढंग से दबा। प्रिंस पे बहू नहीं बनने की इस घर की? ढंग से दबा पैर। हाँ ऊपर तक, यहाँ तक। टाइम दे यार, तेरे को तो पैर भी दबाने नहीं आते, पता नहीं क्या देखा उसने इस लड़की में। प्रिंस क्या लड़की है यार। कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी मैं इससे दो बातें और कर लूँ थोड़ी। कर लो कर लो। हाँ पैर तो तुझे दबाने आते नहीं, घर का काम तुझे नहीं आता। दहेज कितना देगी? दहेज? दहेज जो हर लड़की देती है। प्रिंस एक बार आ जाए यार मेरे को। ये क्या प्रिंस प्रिंस लगा रखा है, दहेज पूछा है? भाई देख जिस घर से इसके लिए रिश्ता आया था ना, मतलब अभी भी आया है, हमने सिर्फ पेंडिंग में रखा है उसे। ओडी दे रहे हैं वो, और एक फ्लैट दे रहे हैं, और 51 लाख रुपए दे रहे हैं कैश। तू बता तू क्या देगी? दीदी ये सब मैं नहीं दे सकती ना, ये सब चीजें मैं हमारे घर में नहीं चलती। बस मैं इसको अपना साथ दे सकती हूँ लाइफ टाइम के लिए, और ये बात उसे भी पता है, शायद वो भी। आप क्या सोच रहे हो, आप मेरे को क्यों इतना गलत समझ रहे हो? चल दहेज, चल ठीक है नहीं दे सकती, चल ठीक है, हम बहुत महान है भाई, हम नहीं करते किसी को इतना टॉर्चर। सुबह 5:30 बजे उठना पड़ेगा, सास ससुर पति तीनों के पैर छूने पड़ेंगे, पूजा करनी पड़ेगी नहा धो के, और हमारे लिए नाश्ता बिना बोले टेबल पे लग जाना चाहिए। ये सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे प्रिंस से दूर मत करो आप। एक मिनट और लेट हो गया ना, वही थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ते हैं हमारे घर में भाई, और इतना मारते कि वो दोबारा गलती ना करे। अगर मैं घर में रहूँगी तो देख शायद मैं तेरा ये सारे वाले बाल दिख रहे हैं ना गंजी कर दूँ मैं तुझे, क्योंकि मैं जब मेरा पारा हाई होता है ना, पारा समझ रही है, पारा माथा ये जो होता है ये हाई होता है ना, मैं किसी को नहीं देखती, और प्रिंस की जुबान खुलेगी भी नहीं मेरे सामने। देख ही चुकी है तू गंजी, ये जो है ना सारे गंजी होने के लिए रेडी है, तू बता दे। A few moments later. क्या बात हो गई यार, मेरे को बताओ तू सही, बात क्या हुई, क्यों रो रही है तू? दीदी ने कुछ बोला क्या तेरे को? नहीं मुझे कुछ नहीं बोला। तो तू रो क्यों रही है? अरे क्या हो गया, क्या हुआ यार, क्या ड्रामे कर रही है ये मेरे सामने? पता नहीं तो पता नहीं, मनुष्यता नहीं पसंद मुझे अपने। मारो दीदी, दीदी हाथ मत उठाना, दीदी दीदी हाथ मत उठाना, दीदी हाथ मत, दीदी रहने दो, दीदी रहने दो, दीदी रहने दो, मान दीदी इसको चुप करा ले, दीदी लगा देगी झाड़ू, लगा देगी झाड़ू, लगा देगी ना झाड़ू, लगा गंजी कर दूंगी, ओछा ओछा सब लगा देगी, बर्तन भी धो धो देगी ना कशिश, सब कर देगी। चुप हो जा, चुप, नहीं बोले कुछ दीदी, कुछ नहीं बोलेगी, चुप हो जा। पैर दबाने दीदी, पैर भी दबा देगी आपके।
दबा देगी ना बाबू? हाँ सब दबा देगी, सब कर देगी, है ना? ठीक है चल दीदी से गले मिल ले, चल दीदी से गले मिल ले। क्या हुआ, डर लग रहा है? दीदी ये सच में रोने लग जाएगी, मर जाएगी रो रो के। क्या हो गया भाई, मजाक की था और कुछ नहीं है। अरे जान दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे ऊपर। दीदी ऐसी नहीं है मेरी भाई। अरे तुम्हें कपड़ों से पता नहीं चल रहा था क्या? दीदी अगर ऐसे होते तो मैं तेरे को दीदी से मिला था। दीदी टांग खींच रही थी बस यार, तू यार बटबट होने लग जाती। चुप हो, शांत हो जाओ। मुझे डर लग रहा है। क्यों? अरे प्रैंक है, प्रैंक है। चुप हो जा, चुप हो जा। तो मेरी इससे शादी करा दोगे? हाँ करा देंगे, करा देंगे। पागल मजाक मस्ती है, चलता है यार। अब दीदियां ये तो टांग तो खींचेंगी ही ना। मुझे नहीं पता था कि इस गिलास में नहीं देते पानी। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। उधर देख, उधर देख, हेलो कर दे। गाइस देखो हर बार रो जा रही है बेचारी। देख रहा अब इन लोग का प्रेम चालू हो गया, मेरा काम हो गया खत्म। इसकी टांग जो खींचनी थी वो खींच गई है। आप लोग को अगर मजा आया हो वीडियो में तो भाई बिना बोले खूब सारा प्यार कर देना, खूब सारा प्यार दे देना और अपनी बहनों तक भी पहुंचा देना और अपनी गर्लफ्रेंड तक भी पहुंचा देना। बाकी बंदे तो तुम खुद हो ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।